Hello everyone, welcome to my channel Dr. Gunjan's Classes. I'm Dr. Gunjan Goel and today we are going to study the chapter number 3, Metals and Non-Metals. Class 10th ka aapka chapter number 3 hai, Metals and Non-Metals. Iska aaj hum third part karne wale hai. So, hum iske do parts already kar chuke hai. Humne iski basic introduction padhi, metals aur non-metals ke baare mein jana, unki position dekhi. Periodic table में उनकी properties के बारे में हमने study किया कि why they are called as metals and non-metals because of their physical and chemical properties. Okay, so today we are going to start with the ironing bond. तो हमने कहाँ छोड़ा था अपना part 2? हमने part 2 में last मैंने आप लोगों से पूछा था या बताया था आपको impact कि जो हमारे metals होते हैं, why they are called as electropositive elements? Why? And why non-metals are called as electronegative elements. So, जो ये दोनों चीजें हैं, ये questions की form में भी आ सकती हैं, but ये आगे इसका base भी बना रही है ionic bonds का. तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ionic bonds के बारे में. तो जो हमारे electropositive elements हैं, उनका काम होता है electrons को lose करना और positive charge उनके ऊपर आ जाता है. Whereas electronegative elements का काम होता है electrons को gain करना, जिसके कारण उनके ऊपर negative charge आ जाता है. और वो positive और वो negative charge जब combine करके एक bond form कर देते हैं, एक compound form कर देते हैं, और उस bond को बोला जाता है ionic bond, और उस compound को बोला जाता है ionic compound. तो let's see कि ionic bond की definition क्या है. So, ionic bond वो bonds हैं जो form होते हैं when electrons are transferred from metal to the non-metal. तो आपको ये cram करने की ज़रूरत नहीं है, because now you got the picture कि why there is a transfer of electrons from metals to non-metals, because it is an electropositive element and it is an electronegative element. यहाँ से electrons जब यहाँ जाता है, तो इनके बीच में एक bond form हो जाता है. और इसी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही वो बॉन्ड फॉर्म होता है और उस बॉन्ड को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड. सो डेफिनेशन इज आयनिक बॉन्ड्स, दीज आर द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स फ्रॉम द मेटल्स टुवर्ड्स द नॉन मेटल्स. तो मेटल गेट पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So in other words, bond form हो जाता है positive और negative ion के बीच में, और उस bond को बोला जाता है ionic bond. और वैसे compound electrically neutral होता है, इसलिए इसको ionic compound बोला जाता है, because negative and positive ions combine कर गए, तो उसका charge जो है वो zero हो गया, unlike zero. So charge zero हो गया, neutral हो गया, so that's why they are electro neutral compounds. Electrically neutral compounds हैं, उसको ionic compounds बोला जाता है. So let's see an example here. So I have shown you this is a metal. So let's say this is a metal Na, or you can say just Na. I'm sorry. So this is a metal A, and this is a non-metal B. तो अब मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देना है. तो इसका ये वाला, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास लूज करके इसको चला जाएगा. तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया आउटर शेल से, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये एक आयनिक मॉलिक्यूल बन गया कंबाइन करके, और इसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो गया जिसको आयनिक बॉन्ड बोला जाता है. ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं नेक्स्ट में. सो NaCl, NaCl इज सोडियम क्लोराइड, NaCl इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्या है और क्लोरीन क्या है? सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है, और क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल. ठीक है, तो सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है. अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11. जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपको एटॉमिक नंबर्स भी कैसे याद करने. तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है इसका, एटॉमिक नंबर है 11. तो ये शायद आपने अपनी 9th स्टैंडर्ड में भी ये किया होगा कि तीन इसकी शेल्स होती हैं. ठीक है,
तो उसमें ये कैसे इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखी जाती है, तो 11 को लिखने के लिए पहली की कंप्लीट होनी चाहिए दैट इज 2, दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए दैट इज 8, अब बचा कितना 1, लास्ट वाले में भी 8 आता होगा, 3 वाले में भी 8 आता होगा, तो बट हमारे पास है ही 11, तो 1 ही आ रहेगा। इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो गए 1। और अब हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की, ये तो हो गए हमारे सोडियम के, सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, जबकि अब हम क्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 17, जिसमें मैंने बताया कि ये शेल तभी कंप्लीट होगा जब यहाँ पे 8 होगा, बट अब हमारे पास 17 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ जाएगी 2, 8 एंड 7, 7 के पास लास्ट इसकी इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7, तो इसको कंप्लीट करने के लिए 8 करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है 1 की रिक्वायरमेंट, इसको 1 लूज करना है, इसको 1 गेन करना है ताकि दोनों स्टेबल हो सके और ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे इस तरह से। तो अब आप देखिए यहाँ पे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 है, तो ये सोडियम यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा 1, इसको दे देगा यहाँ पे, तो ये इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये अपना लूज कर देगा तो इसके पास सिर्फ 2, 8 रह जाएंगे, तो ये इसकी आउटर मोस्ट शेल से चला जाएगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये 2, 8 और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपस में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, बिकॉज इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन और इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में ये फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गया, ये NaCl फॉर्म हो गया। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद यू, बिकॉज हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से होगा हमारा NaCl है जो Na मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, ठीक है। एक बार से फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, Na हमारा मेटल है, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल, ठीक है, मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन, पहले हम इसकी एटॉमिक नंबर्स की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो इलेक्ट्रॉन 11 वाले की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हो गई 2, 8 एंड 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हो गई 2, 8 एंड 7। तो एज यू ऑल नो जो सबसे इनर मोस्ट शेल होता है वो 2 में स्टेबल है, उसके बाद 2, 8, 8 इस तरह से स्टेबिलिटी आती है, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, या तो इसको 7 मिल जाए या 1 दे दे, 1 देना आसान है, 7 गेन करने तो बहुत मुश्किल है, है ना। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 7, इसको या तो 1 मिल जाए या ये 7 दे दे, है ना, तो 1 लेना ज्यादा आसान है 7 देने से, और नॉन मेटल है तो वो गेन करेगा, मेटल है तो वो लूज करेगा, ठीक है, ये सारी हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये दोनों आपस में मतलब सेट बैठ चुके, हम इन दोनों को मिला देते हैं। अब Na ने क्या किया, अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो खुद इसने लूज कर दिया तो इसकी भी स्टेबिलिटी आ गई, और इसने लूज करा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्लोरीन है उसको 1 की रिक्वायरमेंट थी, है ना, 7 थे उसकी लास्ट वाले शेल में, तो उसने 1 गेन कर लिया तो वो भी स्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल हो गया और इसने गेन किया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये जो है आपस में एक कंपाउंड फॉर्म हो गया, इसको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिकली ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, अगर इकट्ठा बॉन्ड बनने के बाद ये कंपाउंड है, और ये जो कंपाउंड है इसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, और बॉन्ड जो फॉर्म हुआ वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब ये तो बात थी कि 1 देना था, 1 चाहिए था तो बन गया, बट ठीक है, यहाँ देखिए बड़ी पिक्चर में 3 शेल्स, 1 दे दिया यहाँ पे पिंक वाला, इसने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने एक पिंक ले लिया, इससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड बन गया। बट अगर हम बात करें हमें 1 से ज्यादा की, सपोज किसी को दे 1 ही सकता है बट रिक्वायरमेंट 2 की है, तो जो देने वाला है उसके 2 एटम्स लग जाएंगे, ठीक है, वो 2 बार में हो जाएगा, ठीक है, उसकी एग्जांपल हम आगे देखेंगे, ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए। तो ये अभी हम कर चुके हैं, ये सारा का सारा इट्स अ रेपिटेशन, इसके पास एक वैलेंस था, इसके पास 7 थे, इसने 1 लूज कर दिया, इसने 1 गेन कर लिया, जिसके कारण आयनिक कंपाउंड वाला फॉर्म। अब हम देख लेते हैं सिमिलर वे में पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म होता है, ठीक है, KCl, वो भी एक मेटल एक नॉन मेटल, ठीक है।
तो ये कुछ आयनी कंपाउंड के क्रिस्टल्स हैं जो हमारी प्रेजेंट है, ठीक है, इन अवर वर्ल्ड इट इज दे आर प्रेजेंट आयनी कंपाउंड के क्रिस्टल्स हैं। इनकी कुछ पिक्चर्स हैं कि किस तरह से आयनी कंपाउंड दिखते हैं। देन अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। आयनी कंपाउंड्स की अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम मेटल से कंपेयर करते हुए, इनकी इंडिविजुअली कंपाउंड से कंपेयर करते हुए हम बात करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल से। तो जो आयनी कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड इन नेचर होते हैं, ठीक है, या बेसिकली सॉलिड कंपाउंड्स, बिकॉज इनके अंदर ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करने के लिए, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये सॉलिड होते हैं। ये ब्रिटल भी होते हैं, ठीक है, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पोजेस कर रहे हैं, ब्रिटल भी होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आयनी कंपाउंड्स की, ठीक है, आयंस की, जो आयनी कंपाउंड्स की जो आयंस है उनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे जाके ये मतलब मेल्ट और बॉइल करते हैं। देन दे कैन जनरली डिजोल्व इन वाटर, वाटर में जनरली डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनसॉल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, वाटर में सॉल्यूबल है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि कैरोसिन पेट्रोल वगैरह इनमें इनसॉल्यूबल है। इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते बट मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इन वाटर फॉर्म दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ओके, सो आई होप आयनिक कंपाउंड वाला जो है आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं मेटल्स की एक्सट्रैक्शन। पहले तो मेटल्स किस तरह से किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारी अर्थ में, फिर हम इनकी एक्सट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। सो दे दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे तो यू विल गेट अ बिगर पिक्चर एंड आपको बहुत इंटरेस्ट होगा कि मैं इसको अच्छे से रीड करूँ जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद यू, एंड इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन and please subscribe my channel by pressing the bell icon and so that you can get further notifications about the new videos. Till then, take care, thank you, bye bye, see you in the next video.